तो क्या हाल है भाई सबके, कैसे हो सारे? आज स्टार्ट करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज नंबर 5.1। और हमारा जो मेन फोकस रहेगा, जैसे कि अब CBSE ने पैटर्न चेंज कर दिया, अब CBSE ने चीज़ें MCQ बेस्ड कर दी हैं, तो हमारा मेन फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट बेहतरीन होगा तो आप MCQ सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन के सॉल्यूशन का स्टेप बाय स्टेप्स वाइज सीखना, सॉल्यूशन इतना इम्पोर्टेंट अब नहीं रह गया है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट रह गया आप कॉन्सेप्ट को ओवरऑल बहुत बेहतरीन तरीके से सीखें। तो हमारा आप जो पढ़ाने का तरीका रहेगा वही रहेगा MCQ बेस्ड पैटर्न के हिसाब से। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए कितने रुपये हैं? ₹15 एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और हर किलोमीटर के लिए ₹8 हैं जो भी आप आगे किलोमीटर में जाएंगे। जितने भी किलोमीटर आप जाएंगे हर किलोमीटर के आपको ₹8 देने पड़ेंगे, और पहले किलोमीटर के लिए आपको ₹15 देने पड़ेंगे। तो बताना है ये एपी में है या नहीं है। अगर मैं बात करूं जैसे कि कॉस्ट ऑफ 1 किलोमीटर, अगर आप सिर्फ 1 किलोमीटर गए तो आपने पहले किलोमीटर के लिए ₹15 देने होंगे, कितने? 15। लेकिन अगर आप 2 किलोमीटर जाते हैं तो 15 तो देने ही होंगे, और हर किलोमीटर के अब आपको ₹8 देने हैं, तो इसलिए ₹8 देने होंगे। कितने हो गए? तो ₹23 हो गए। अगर आप 3 किलोमीटर गए तो 15 देने ही देने हैं, दूसरे किलोमीटर के 8 देने हैं, तीसरे किलोमीटर के भी 8 देने हैं, तो कितने हो गए? ये हो गए आपके 31 किलोमीटर। मान लेते हैं आप 4 किलोमीटर जाते हैं तो पहले 15 देंगे, दूसरे किलोमीटर के 8 देंगे, तीसरे किलोमीटर के फिर 8 देंगे, चौथे किलोमीटर के फिर 8 देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 39। चेक करते हैं क्या ये एपी में है। अगर मैं इनको सीक्वेंस में लिखूँ 15, 23, 31, 39, तो देखो ये क्या ये एपी में है, और आगे ऐसे ही चलता चला जाएगा। और एपी में है या नहीं, इसकी एक ही पहचान है कि उनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस उनके बीच में सेम होना चाहिए। डिफरेंस पता करने के लिए आप जानते हैं कि आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को हम माइनस कर रहे होते हैं। जैसे कि डिफरेंस आपको निकालना है तो आप A2 में से A1 माइनस कर सकते हैं, A3 में से A2 माइनस कर सकते हैं, A4 में से A3। कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता होगा कि A2 वगैरह क्या है, उनके लिए बता दूँ, ये A1 होता है हमारा पहला टर्म, ये A2 मान लेते हैं, इसको A3 मान सकते हैं, इसको A4। इतनी डिटेल में सिर्फ पहले क्वेश्चन में जा रहे हैं, बाकी सारे पार्ट हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। देखो तो हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो 23 माइनस 15, A2 माइनस A1 कर लेते हैं, 23 माइनस 15 करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा आपका 8। अगेन 31 माइनस 23, 31 माइनस 23 क्या आएगा? फिर 8। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तब भी क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, तो क्या सबका डिफरेंस सेम है? हाँ जी, सबको ऐसे इसको घटाएंगे तो भी 8, इसको घटाएंगे तो भी 8। जब डिफरेंस सेम होता है तो वो क्या होती है? वो AP होती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन AP। ये क्या है? एक AP है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यस, ये AP में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो देखते हैं सेकंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। एक सिलेंडर है जिसमें एयर है, मान लेते हैं कोई सिलेंडर है, इसमें एयर है, और इसकी हर बार एक बार में 1/4 एयर निकाल दी जाती है, फिर जितनी बची उसमें से 1/4 निकाल दी जाती है। तो देखना है कि क्या ये चीज़, ये जो डाटा है ये AP में है या नहीं है। तो आओ देखते हैं, हम मान लेते हैं इसमें कितनी एयर है, हम इसमें एक्स मान, एक्स से बढ़िया है हम इसमें 64 मान लेते हैं, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 64 ही क्यों हमने माना, इसके लिए मैं अभी आगे बताता हूँ हमने 64 ही क्यों माना। देखते हैं सबसे पहले उसमें 64 एयर है, इसमें से कितनी एयर निकलेगी? तो इसमें से 1/4 एयर निकल जाएगी, तो 64 का 1/4 अगर हम कर दें तो कितना आएगा? 16। तो 64 थी, 1/4 निकल गई, मतलब 16 निकल गई, तो बची कितनी? तो बची 48। अब कितनी एयर है? अब 48 है। अब 48 की कितने निकलेगी? 48 का 1/4 निकलेगी, तो 48 का 1/4 कितना होगा? तो 12 होगा। तो इस बार 48 में से कितनी निकल जाएगी? 12 निकल जाएगी। कितनी बची? 36। अब कितनी एयर है सिलेंडर में? तो 36 है। कितनी निकलेगी? 36 का 1/4, तो 36 का 1/4 कितना हो जाएगा? 36 का 1/4 हो जाएगा 9। तो 9 एयर निकल जाएगी।
तो पहले 64 थी, 48 हो गई, सबसे पहले 64 एयर थी, फिर 48 हो गई, और फिर 36 हो गई, और 36 में से 36 का 1/4 निकल गया, तो कितनी बची? तो ये बची 27, अब इतनी बची। तो ये जो डाटा है देखते हैं क्या एपी में है या नहीं, पहले एक सीक्वेंस में लिखते हैं। तो पहले 64 थी, फिर 48 बची, फिर 36 बची, और फिर 27 बची, और ऐसे आगे चलता चला जाएगा। देखते हैं क्या ये एपी में है। तो आप जानते हैं पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म को घटाते हैं, तो 48 माइनस 64 क्या बचा? तो आप कहेंगे माइनस का 12, सॉरी 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 सॉरी, माइनस का 16, माइनस का 16। और 48, 36 में से 48 घटाएंगे, 36 माइनस 48 तो कितना बचेगा? तो माइनस का 12 बचेगा। 27 में से अगर हम 36 घटाते हैं, तो 27 में से 36 घटाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस का 9। तो यहाँ पे तो माइनस का 9 बच रहा है, 36 में से 48 घटाया था तो माइनस का 12 बच रहा था, 48 में से 64 घटाया तो माइनस का 16 बच रहा है। तो क्या ये जो डिफरेंट है ये सेम है? तो ये डिफरेंट सेम नहीं है। तो क्या ये एपी में होगी? तो ये एपी में नहीं होगी। एज द डिफरेंस इज नॉट सेम देन दिस इज नॉट इन एपी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नो। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो ये है थर्ड पार्ट। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट ₹50 फॉर द फर्स्ट मीटर। पहला मीटर खोदने के लिए कितने हैं? ₹150, 150, एंड राइज बाई 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। और आगे जितने भी मीटर खोदेंगे हर मीटर के लिए आपको ₹50 देने होंगे। ठीक है, तो देखिए एक बार। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, अगर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर डिगिंग, अगर 1 मीटर खोदा जाता है तो कितने रुपए? तो ₹150। लेकिन अगर 2 मीटर खोदना जाए तो आप देखेंगे कितने रुपए हो गए? तो 150 तो पहले किलोमीटर के, और हर किलोमीटर के अब कितने देने होंगे? तो ₹50। तो कितना हो गया? 200। आगे अगर 3 मीटर तक देखें हम, तो 3 मीटर के कितने? 150 पहला किलोमीटर, 50 दूसरा किलोमीटर, और फिर एक 50, 3 किलोमीटर हो गए, तो कितना हो गया? 250। और भी देख लो, 4 मीटर के लिए अगर हम देखें, तो पहले के लिए तो 150 देने होंगे, फिर 50 दूसरे के लिए, तीसरे के लिए 50, चौथे के लिए 50, तो कितना हो गया? तो ये हो गया आपका 300। ऐसे चेक कर सकते हैं। और देखिए उनको आप सीक्वेंस में लिखते हैं, 150, 200, 250 और 300। तो 150, 200, 250 और 300 ऐसे चलता चला जाए। ये तो साफ दिख रहा है एपी में है या नहीं है। तो इस 200 में से 150 का डिफरेंस निकालेंगे, घटाएंगे तो 50 आएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? तब भी 50 आ रहा है। इसमें से इसको घटाएंगे तब भी कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? डिफरेंस क्या है? कॉमन है। अगर जब भी डिफरेंस कॉमन होगा तो वो क्या होगा? वो एपी में होगा। वो पूरा डाटा, वो पूरी सीक्वेंस एपी में होगी। इसका आंसर हो जाएगा यस, दिस इज एन एपी। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है, द अमाउंट ऑफ मनी इन एन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन द रुपी 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। एक अकाउंट में 10,000 रुपीज जमा किए गए हैं और हर साल 8% रेट से इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। तो देखते हैं क्या ये एपी में है या नहीं। हम मान लेते हैं कि फर्स्ट ईयर, पहली साल में रुपए कितने होंगे? तो आपने जमा किए हैं 10,000, इतने ही रुपए रहेंगे। अब जब इसमें सेकंड ईयर लगेगा तो इसमें 8% क्या हो जाएगा? 2 ईयर में आपको कितने रुपए हो जाएंगे आपके? तो ये हो जाएंगे 10,000 का 8%। 10,000 का 8% हम इधर निकाल लेते हैं, देर जाते 10,000 का 8% कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 800। कितना हो जाएगा? 800। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? तो 800 इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 प्लस 800 बराबर 10,800। इसके बाद अगर आगे की ईयर्स का आप निकालेंगे, हर बार यही होगा। अब अमाउंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसमें 8%, इसका 8% निकालेंगे 10,800। अब इतना अमाउंट है, इसका 8% कितना होगा? चेक करते हैं एक बार, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 8 8 जस 64 पूरा आ जाएगा, और 8 बन जाए 8। इस बार 864 आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि ये, तो इसमें 864 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया?
इसको ऐड करेंगे तो 4 6 8 8 16 1 1। अब आपके पास इतना अमाउंट है, अब अमाउंट कितना है 11664, फिर इस पे 8% लगेगा, जो भी 8% आएगा वो ऐड होकर अमाउंट आ जाएगा, हमें एपी इसी से पता चल जाएगी। पहले ये था, फिर अमाउंट इतना हो गया, फिर अमाउंट इतना हो गया, देखते हैं क्या ये एपी में है। अगर मैं इधर सीक्वेंस में लिखूँ इसको तो 10,108,001,1664। एपी चेक करने के लिए आगे वाले में से पीछे वाले को घटाते हैं टर्म को, तो देखते हैं इसमें से इसका डिफरेंस कितना आएगा। तो आप कहेंगे इसका डिफरेंस आएगा 800। एक बार इसका डिफरेंस चेक करते हैं तो इसका क्या आएगा, 4 6 16 में से 8 गए 8, तो ये आएगा 864। क्या ये और ये सेम है क्या, तो आप कहेंगे नहीं। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो क्या वो एपी में होगा, तो एपी में नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, दिस डाटा इज नॉट एपी। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, पहला टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है जो कि दे रखा है हमको, ए इक्वल टू 10 एंड डी इक्वल टू 10 पहले पार्ट में। तो हमें क्या लिखना, फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी लिखने। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखेंगे आप जनरल टर्म अगर समझें तो आप जनरल टर्म बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पहला टर्म क्या है, ए है, जिसको हम पहला टर्म ए वन जो कि सिर्फ ए होता है, फिर ए टू जो कि क्या होता है, ए प्लस डी, तीसरा क्या होता है, ए प्लस टू डी, और चौथा क्या होता है, ए प्लस थ्री डी। ये मैंने जनरल टर्म जब पढ़ाया था, जब बताया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। देखो इसको और एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि ए वन क्या होगा, ए वन बराबर ए, और ए टू बराबर क्या होगा, ए टू बराबर होगा ए वन प्लस डी, सिंपल। ए थ्री बराबर क्या होगा, इसमें डी ऐड कर देंगे, तो देखो इसमें डी ऐड करेंगे, ए वन प्लस डी प्लस डी, तभी तो ए वन प्लस डी किस क्या लिख देते हैं हम, टू डी। कहने का मतलब ये है कि हम हर बार कर क्या रहे होते हैं, हर बार जब भी हम अगला टर्म लिख रहे होते हैं तो पिछले टर्म में डी ऐड कर देते हैं। ए वन लिखा तो ए, ए टू लिखा तो ए वन में डी ऐड कर दिया, जब ए थ्री लिखेंगे तो ए टू में क्या करेंगे, ए टू में डी ऐड कर देंगे, जब ए फोर लिखेंगे तो ए थ्री मतलब इसमें हम डी ऐड कर देंगे। ये वाली चीज़ को बेहतर समझने के लिए इसे देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन से बहुत बेहतरीन समझ में आ जाएगी, एक बार देखते हैं। ये इंट्रोडक्शन में इस चीज़ पर हम अच्छे से बात कर चुके हैं, एक बार सब लोग इंट्रोडक्शन ज़रूर देख लेना, इससे पहली वीडियो इंट्रोडक्शन की ही है। ए बराबर 10 है तो क्या ए वन क्या हो जाएगा, 10, ए टू क्या हो जाएगा, तो 10 प्लस 10, ए प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20। ए थ्री क्या हो जाएगा, जो भी ए टू आया है उसमें बस डी ऐड कर दो, तो 20 प्लस 10 30। ए फोर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 जो कि ए थ्री है, ए थ्री प्लस डी, ये हो जाएगा 40। चार ही टर्म निकालने हैं, चार ही निकल गए हमारे, 10, 20, 30 और 40, 10, 20, 30 और 40, चार ही निकालने थे, इससे ज़्यादा नहीं निकालने। सेकंड पार्ट पे आ जाओ, आसान आसान क्वेश्चन है, उड़ा देना सबको एक एक सेकंड में इनको। देखो ए, ए क्या है हमारा, तो ए वन निकालेंगे तो ए ही रहेगा माइनस टू, ए टू कितना हो जाएगा, तो आप जानते हैं माइनस टू प्लस डी, डी कितना है ज़ीरो, तो ये क्या रहेगा, माइनस टू ही रहेगा। ऐसे ही ए थ्री, ए टू प्लस डी, ए टू क्या है आपका माइनस टू प्लस ज़ीरो, ये भी माइनस टू रहेगा। ऐसे ही ए फोर भी क्या रहेगा, माइनस टू रहेगा। तो सभी टर्म क्या होंगे इसके, माइनस टू माइनस टू माइनस टू और माइनस टू, चार ही हमको टर्म निकालने थे, चार ही निकाल दिए हमने। आगे थर्ड पार्ट देखते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, ए बराबर दे रखा है 4 और डी बराबर दे रखा है माइनस का 3। देखते हैं बहुत आसान है, ए वन बराबर ए मतलब कि 4, ए टू बराबर ए प्लस डी, प्लस डी क्या है आपका, माइनस 3, माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस माइनस माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 1। ऐसे ए थ्री निकालेंगे, ए थ्री क्या है, अब 1 ले लेंगे, ए टू 1 प्लस माइनस 3, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 3 कितना आ गया, तो आपका आएगा माइनस का 2। फिर ऐसे ए फोर निकालेंगे, माइनस 2 प्लस डी कर देंगे, प्लस डी कितना है, तो माइनस 3,
माइनस टू और प्लस माइनस, माइनस माइनस थ्री कितना हो गया, माइनस फाइव। एक ये आ गया, एक टर्म ये आ गया, एक टर्म ये आ गया, और ये पहला टर्म है, लिख लेते हैं। फोर वन माइनस टू और माइनस फाइव, ये क्या है अपना एपी के फर्स्ट फोर टर्म। इसको देखते हैं, ए टू सॉरी फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट को देखें। ए वन कितना है, ए दे रखा है माइनस वन, तो ए वन यही हो जाता है। ए टू कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हो, इसमें डी ऐड कर देंगे, माइनस वन प्लस वन अपॉन डी। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आएगा माइनस टू प्लस वन अपॉन टू। मैं ऐसा मानता हूँ कि एलसीएम लेना सभी को आता होगा, इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व किया है हमने, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर आएगा माइनस वन अपॉन टू आ गया। ए थ्री, ए थ्री कितना हो जाएगा, तो इसमें जो आया है इसमें फिर ऐड डी ऐड कर देंगे, तो ये माइनस का ये प्लस का, तो ये तो ज़ीरो हो गया। ए फोर जो भी आया है उसमें वन अपॉइंट टू ऐड कर देंगे, डी ऐड कर देंगे, मतलब तो ये क्या आ गया, वन अपॉइंट टू। एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, और एक ये था हमारा पहला टर्म। अगर हम ए पी लिखें तो माइनस वन, अगला टर्म माइनस वन अपॉइंट टू, उससे अगला टर्म ज़ीरो, और उससे अगला टर्म वन अपॉइंट टू, ये हमारी ए पी हो गई। इस पर आओ, ए बराबर माइनस वन पॉइंट टू फाइव, तो यही ए वन हो जाएगा। ए टू क्या हो जाएगा, इसमें डी ऐड कर देंगे, माइनस वन पॉइंट टू फाइव प्लस डी, डी कितना है, माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव, ये अपना डी है। करो सॉल्व, माइनस वन पॉइंट टू फाइव और ये हो जाएगा माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव, तो क्या आ जाएगा, माइनस वन पॉइंट टू फाइव और माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा, क्या आएगा, वन पॉइंट फाइव ज़ीरो। ए थ्री निकालना है तो इसमें ए टू में माइनस वन पॉइंट फाइव ज़ीरो प्लस क्या कर देंगे, डी, डी कितना है, माइनस ज़ीरो पॉइंट टू फाइव, इसको प्लस कर देंगे। यहाँ देखेंगे ये क्या हो जाएगा, तो इधर लिख लेते हैं, माइनस वन पॉइंट फाइव ज़ीरो प्लस माइनस माइनस ज़ीरो पॉइंट टू फाइव, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस वन पॉइंट सेवन फाइव। ए फोर निकालेंगे, ए फोर कितना आ जाएगा, तो ए फोर माइनस ये जो आया ए थ्री वन पॉइंट सेवन फाइव, इसी में क्या ऐड कर देंगे, डी ऐड कर देंगे, डी कितना है, ज़ीरो पॉइंट सॉरी सॉरी माइनस लगाएंगे, माइनस ज़ीरो पॉइंट टू फाइव। देखो एक बार फिर क्या हो जाएगा, माइनस वन पॉइंट सेवन फाइव प्लस माइनस माइनस ज़ीरो पॉइंट टू फाइव, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा टू पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो। क्या आया, तो पहला टर्म ये हो गया, उससे अगला टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया, और चौथा टर्म ये हो गया। अगर मैं लिखूँ इन्हें एक जगह तो कैसे लिखेंगे, माइनस वन पॉइंट टू फाइव, अगला टर्म हो गया माइनस वन पॉइंट फाइव ज़ीरो, उससे अगला टर्म हो गया माइनस वन पॉइंट सेवन फाइव, और उससे अगला टर्म हो गया माइनस टू। बस ये अपने फोर टर्म ऑफ फर्स्ट एपी हो गए, फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है जो आपको एपी दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट। फर्स्ट टर्म क्या है, थ्री, तो ये तो बहुत आसान है, ए वन लिखना या ए लिखना, कितना है, थ्री, यही लिखवा है ना फर्स्ट टर्म, ये रहा आपका फर्स्ट टर्म, आप ऐसे भी लिख सकते हो फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस आपको डी निकालना है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालना सभी को बता रखा है, सभी जानते होंगे, सभी होशियार चंद हैं सारे के सारे। आओ, थ्री वन माइनस वन कैसे निकालते हैं, तो अगली वाली टर्म में से पिछली वाली टर्म को घटा करके, तो वन माइनस थ्री तो क्या आएगा, माइनस का टू, यही अपना कॉमन डिफरेंस है। चाहे तो किसी में से भी घटा सकते हैं आप, इसमें से इसको घटाएंगे तब भी यही आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तब भी यही आएगा। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट खत्म, दूसरा देखते हैं। खूब है करिश्मा, देखो भाई माइनस फाइव माइनस वन थ्री और सेवन, ये आपको एपी दे रखी है, फर्स्ट टर्म लिख लो फटाफट से। फर्स्ट टर्म बराबर माइनस फाइव, किससे डिनोट करते हैं, तो इससे डिनोट करते हैं। फिर लिखते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस किससे डिनोट करते हैं, छोटे वाले डी से। चलो जी, इसमें से इसको घटा लो, माइनस वन में से माइनस करना है क्या, ये वाला, ये क्या है, माइनस फाइव,
तो देखेंगे माइनस वन माइनस माइनस प्लस का फाइव, तो क्या आ गया फोर, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया फोर, फर्स्ट टर्म आ गया माइनस फाइव। चलते हैं अगले पार्ट पर। तो ये रहा भाई पार्ट नंबर थ्री, आपकी खिदमत में पेश किया है, जरा देखिए एक बार। सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन, वन अपॉन थ्री क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म लिख दीजिए एफ आई आर एस टी टी ई आर एम, फर्स्ट टर्म डिनोट करते हैं ए से, क्या हो जाएगा वन अपॉन थ्री। कॉमन डिफरेंस निकालना सभी को आता है, बहुत आसान काम है। डिफरेंस कितना हो जाएगा इसमें से, इसको घटा लो तो फाइव अपॉन थ्री में से वन अपॉन थ्री को घटा लो तो क्या आएगा, तो ये आएगा ये आएगा ये आएगा ये आपका कॉमन डिफरेंस, ये आपका फर्स्ट टर्म। आओ अगले क्वेश्चन पर, अगले पार्ट पर, बहुत आसान है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म मतलब ए निकाल लो, क्या है ए 0.6, ख़त्म। डी निकालना है तो इसमें से इसको घटा दो, अगले टर्म में से पीछे वाले टर्म घटाते हैं कॉमन डिफरेंस में, सभी ज्ञानी हो चुके होंगे अब तक। माइनस 0.6, तो 1.7 में से 0.6 गया तो 1.1। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फोर, देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए पी, इनमें से कौन सा ए पी है। इफ़ दे फॉर्म एन ए पी, अगर वह ए पी में है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको डी निकालना है कॉमन डिफरेंस एंड राइट थ्री मोर टर्म्स, और तीन टर्म और लिखने हैं उसके आगे। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें भाई 15 पार्ट हैं, इसमें 15 पार्ट हैं, और हर पार्ट को हम पूरे डिटेल में सॉल्व करेंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए शुरुआत के दो पार्ट में बढ़िया डिटेल में सॉल्व कर दे रहा हूँ और बाकी को फटाफट फटाफट करेंगे, तो उसमें सब कुछ नहीं बताऊँगा, इसी में बता दे रहा हूँ। अब सब कुछ बताया जाए तो बेहतर होगा, अब कुछ ना छुपाया जाए तो बेहतर होगा। अदालत लगी है तेरे मोहल्ले में, कुछ गवाह मेरे मोहल्ले से बुलाए जाएं तो बेहतर होगा। चलो आओ देखते हैं। 2, 4, 8, 16, तो ए क्या दे रखा है, 2, और ए 2 दे रखा है, लेकिन ए से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं, बह गए हम भावनाओं में। तो हमें सिर्फ ये पता करना है ये ए पी में है या नहीं है, तो आप बस डी चेक करो। तो हम चेक करेंगे, ये जैसे ए वन मान लेते हैं, ये ए टू होगा, ये ए थ्री होगा और ये ए फोर होगा, तो डी निकालने के लिए ए टू माइनस ए वन कर लो, फिर ए थ्री माइनस ए टू कर लो, फिर ए फोर माइनस ए थ्री कर लो, और यही करके देख लेते हैं। तो ए टू में से ए वन, फोर माइनस टू कितना आया, टू आया, एट माइनस फोर, एट माइनस फोर कितना आया, फोर आया, फिर 16 माइनस 8 कितना आया, तो 8 आया। 2, 4, 8, ये सभी क्या है, डिफरेंस, क्या ये डिफरेंस सेम है, तो डिफरेंस सेम नहीं है, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो वो एपी में भी नहीं है, एपी में होने के लिए डिफरेंस शुड बी सेम, देयर शुड बी अ कॉमन डिफरेंस। आओ भैया सेकंड नंबर पार्ट पर, 2, 5/2, 3, 7/2, क्या ए पी में है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे, इसमें से इसको घटा के, तो वही ए टू माइनस ए वन कर लो, ए थ्री माइनस ए टू कर लो, ए फोर माइनस ए थ्री कर लो, ए टू ये है, ए वन को घटाएंगे, 5/2 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो क्या आएगा, एलसीएम लेके करना है, 5 माइनस 4/2 आ जाएगा, मतलब 1/2 आ गया। इसे देखते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, 3 माइनस 5/2 बराबर, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 6 माइनस 5/2 बराबर भी 1/2। इधर देखेंगे 7/2 में से किसको घटाना है, 3 को घटाना है, तो 7 माइनस 6/2 आ जाएगा। एलसीएम ले लेना, एलसीएम सभी लेना जानते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये आ गया 1/2, क्या डिफरेंस सेम है, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, अगर डिफरेंस सेम है तो ये क्या होगा, तो ये एक ए पी का सीक्वेंस होगा, क्या है ये दिस इज, दिस सीक्वेंस इज एन ए पी, ये किस में है, ये ए पी में है। इसके आगे के तीन टर्म और लिखने हैं तो हम आगे के तीन टर्म और लिख देते हैं, हर टर्म में क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है, ये कितना है 7/2, 7/2 में 1/2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 में 1/2 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 में 1/2 ऐड करोगे तो 17/2 आ जाएगा, हाँ या ना, गलत तो नहीं कर दिए हम। इसके बाद इसमें 1/2 ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, बस यही टर्म लिखने हैं। चलो आगे चलते हैं, किसी को ये समझ नहीं आया हो तो मैं एक मिनट बता देता हूँ 8 कैसे आया। ये था आपका 7/2, 7/2 में कॉमन डिफरेंस ऐड करें तो क्या आएगा, 2, 7 प्लस 1 क्या आ गया, 8/2,
सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक कर दी, मिस्टेक कर दी। दिस सीक्वेंस इज एन एपी, इसके आगे के तीन टर्म और लिखने हैं हमें, इसके आगे के तीन टर्म और लिखने हैं। तो लास्ट टर्म क्या है, 7/2 था, इसके आगे का टर्म लिखेंगे तो 7/2 + 1 क्या करेंगे, 7/2 + 1/2 सॉरी 1 नहीं 1/2, इसको ऐड करेंगे तो 8/2 आएगा, जिसका मतलब होता है 4, इससे अगला टर्म 4 आएगा, फिर इससे अगला टर्म लिखने के लिए क्या करेंगे, 4 में 1/2 ऐड करेंगे, 4 में 1/2 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 9/2, यह आएगा 9/2, फिर इससे अगला टर्म लिखने के लिए इसमें 1/2 ऐड करेंगे तो इसमें 9/2 में 1/2 यहीं पे ऐड कर लेते हैं, 9/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10/2, जो कि कितना होता है, 5 होता है, तो ये अगला टर्म क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। चलिए ये हो गया आगे के तीन टर्म, ये अपने को लिखने थे 4, 9/2 और 5। चलो भैया आगे के पार्ट डी देखते हैं। देखो भैया इसको चेक करना है कि एपी में है या नहीं, अब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इसका डिफरेंस चेक कर लो, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये देखेंगे -1/2 -1.2 3.2, तो -3.2 माइनस करेंगे -1/2 को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +1.2 चेक करेंगे, 3.2 माइनस का ये प्लस का, तो माइनस कर देंगे 2 आएगा लेकिन माइनस का, ऐसे इसको इसमें से चेक करेंगे तो -5.2 माइनस करेंगे -3.2 को, तो -3.2 ये प्लस हो जाएगा 3.2 करेंगे तो क्या है, ये भी -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, और इसको करेंगे तो यहाँ भी आ रहा होगा -2, इसका मतलब ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, कॉमन है, तो ये एपी में है, एपी के आगे के तीन टर्म और लिखने हैं, तो तीन टर्म लिखना बहुत आसान है, ये था -7.2, इससे अगला क्या हो जाएगा -9.2, इससे अगला क्या हो जाएगा -11.2, और उससे अगला क्या हो जाएगा -13.2। बात करते हैं पार्ट नंबर 4 पर, आओ भैया -10, -6, -2 और 2 चेक करते हैं डिफरेंस। अच्छा आप जरूरी नहीं ऐसे डिफरेंस चेक करो, अगर इसमें ऐसे भी देख लो कितना कितना ऐड हो रहा है, अगर सब में सेम ऐड हो रहा है तो इसका मतलब ये एपी में है। -10 से -6 होने के लिए +4 हुआ होगा, फिर -6 से -2 होने के लिए +4 हुआ होगा, और -2 से 2 होने के लिए +4 हुआ होगा, कहने का मतलब सबका डिफरेंस क्या है, सेम, सब में एक ही चीज़ ऐड हो रही है +4, इसका मतलब ये क्या है, एपी, ये है एपी। तो इसके आगे के तीन टर्म लिखना है, 2, 2 + 4 6, 6 + 4 कितना हो जाएगा, तो 10, 10 + 4 14, इसके आगे के टर्म ये हो गए। आगे देखते हैं भैया इसको, एक सेकेंड, -6 तो आइए भैया पार्ट नंबर 5 पर, आओ भैया आओ। 3, 3 + 2, 2, 3 + 2√2 और 3 + 3√2, आप देख रहे हैं 3 था, यहाँ √2 ऐड हो गया, तो क्या ऐड हुआ, √2, इसमें 3√2 था, यहाँ 3 + 2√2 हो गया, 1√2 और ऐड हो गया, तो हर बार क्या हो रहा है, 1√2 ऐड हो रहा है, हर बार √2 ऐड हो रहा है, तो ये भी किस में होगी, ये भी किस में है, एपी में है, तो एपी में है, तो आगे के तीन टर्म और लिखने हैं, 3 + 3√2 इससे अगला हो जाएगा 3 + 4√2, उससे अगला हो जाएगा 3 + 5√2, और उससे अगला हो जाएगा भैया 3 + 6√2। चलो आगे के पार्ट देखते हैं फटाफट से, मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6, तो क्या ये एपी में है या नहीं, कैसे चेक करेंगे डिफरेंस निकाल के, आप ऐसे डिफरेंस निकालने की बजाय ऐसे भी चेक कर सकते हैं, इसमें क्या ऐड हो रहा है, तो इसमें 0.2 था, ये 0.22 था, तो इसमें क्या ऐड हुआ, 0.02, इसे देखेंगे इसमें क्या ऐड हुआ, 0.22, इसमें 0.222 हो गया, तो इसका मतलब 0.002 ऐड हुआ, इसमें क्या ऐड हुआ, तो इसमें ऐड हुआ 0.0002, आप एक बार खुद कैलकुलेट कर लेना आराम से। तो क्या ये डिफरेंस सेम है, तो ये डिफरेंस सेम नहीं है, तो क्या एपी में है, नहीं ये एपी में नहीं है, तो हमें कुछ करना भी नहीं है इसके आगे, अगर एपी में होता तो आगे के तीन टर्म लिख देते हैं। चलो इसे देखते हैं, 0 - 4 - 8 - 12 क्या ये एपी में है, तो देखते हैं यहाँ तक जाने के लिए क्या ऐड हुआ इसमें, -4, अगला -4 ऐड हुआ, फिर क्या हुआ -4, तो क्या एपी में है, हाँ सबका डिफरेंस सेम है, तो ये क्या है एपी में, आगे के तीन टर्म और लिख दो, ये क्या है 12, तो आगे
ये था माइनस का 12, आगे का माइनस फोर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 16, और माइनस फोर करेंगे तो माइनस का 20, और माइनस फोर करेंगे तो माइनस का 24, ये हो जाएगा माइनस का 24। ये रहे आपके तीन टर्म आगे के, एक दो और तीन। चलो इसे देखते हैं एक बार, माइनस वन अपॉइंट टू, माइनस वन अपॉइंट टू, भाई सब में क्या ऐड हो रहा है, सब में जीरो, सबका कॉमन डिफरेंस क्या है, जीरो। तो ये एपी में होगा, और अगर ये एपी में है तो आगे के तीन टर्म लिखने, आगे के तीन टर्म भी सेम होंगे क्योंकि डिफरेंस क्या है, जीरो। माइनस वन अपॉइंट टू, माइनस वन अपॉइंट टू और माइनस वन अपॉइंट टू, आगे के टर्म भी यही होंगे। चलो आगे के तीन पार्ट डिस्कस करते हैं। तो ये रहा पार्ट नंबर 9। चलो इसको सॉल्व करते हैं, क्या ये एपी में है या नहीं है। तो इसमें से इसको घटा लो क्या आया, तो 2 आया। इसमें से इसको घटा लो तो क्या आया, 6 आया। इसमें से इसको घटा लो तो क्या आया, 18 आया। क्या ये सारे सेम हैं, तो आप कहेंगे नहीं। तो क्या एपी में है, तो नहीं है एपी में। चलो इधर चलते हैं, 2a में से a गया तो क्या a, 3a में से 2a तो a, 4a में से a। कैसे भी चेक कर सकते हो, एक्चुअली तरीका तो यही है कि आप इसमें से अगली टर्म में से पिछली वाली टर्म घटाएं, या फिर आप ये भी चेक कर सकते हो कि इसमें कितना ऐड हुआ, वो भी एक ही बात है। ए में, ए से टू ए जाने के लिए ए ऐड हुआ, इसमें भी ए ऐड हुआ, इसमें भी ए ऐड हुआ, एक ही चीज़ है, दोनों एक ही बात है। तो इसमें कभी कन्फ्यूज मत होना कि कभी आप इधर से कर देते हो, कभी आप इधर से कर देते हो, दोनों एक ही बात है, कन्फ्यूज नहीं होना। चलो भैया आगे, ए ए स्क्वायर, ए क्यूब और ए की पावर 4, इसमें से अगर मैं इसको घटाऊं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए। इसमें से इसको घटाऊं तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, इसमें से इसको घटाऊं तो ए की पावर 4 माइनस ए का क्यूब। क्या भाई ये सेम है, तो आप कहोगे ये सेम नहीं है। तो क्या एपी में होगा, नहीं होगा एपी में। हाँ ये एपी में था, इसके आगे के हमने तीन टर्म नहीं लिखे। ए 4 है तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, 5a, उससे अगला टर्म 6a और उससे अगला टर्म 7a। जो भी एपी में है उनको किस में लिखना है, हमको आगे के तीन टर्म और लिखने हैं। चलो आगे के पार्ट देखते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 12। पहला है रूट टू, तो चेक करते हैं क्या ये एपी में है या नहीं है। तो रूट टू इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 रूट, ना 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 एक सेकंड, 2 रूट 2 लिख सकते हैं इसको। देखो पहले सबके अंदर अंदर प्राइम फैक्टर कर लो, अगर किसी को रूट से दिक्कत होती हो तो 2 into 2 into 2 लिख सकते हैं हम इसको। इसको क्या लिख सकते हैं, तो रूट में हम इसको लिख सकते हैं 3 into 3 into 2। इसको क्या लिख सकते हैं, तो रूट में 2 into 2 into 2 into 2 into 2। ठीक है, आप सभी जानते हैं एक बात, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है, रूट टू, ये क्या हो जाएगा, पेयर बाहर आ जाता है तो 2 बाहर आ जाएगा, 1 2 अंदर रह जाएगा। इसमें से 3 का पेयर बन रहा है, 3 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा। इसमें से एक पेयर ये, एक पेयर ये, 2 2 जो 4 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा। तो देखना ज़रा, 2 2 रूट 2, फिर हर बार क्या हो रहा है, 1 रूट 2 बढ़ गया, इस बार फिर 1 रूट 2 बढ़ गया। रूट टू, 2 रूट 2, 3 रूट 2 और 4 रूट 2, हर बार क्या हो रहा है, 1 रूट 2 बढ़ जा रहा है। तो क्या ए पी में होगा, तो यस ये क्या होगा, ए पी में होगी सीरीज़। इसके आगे भी लिख सकते हैं हम, तीन टर्म लिखने हैं हमको, 5 रूट 2 हो गया, फिर 6 रूट 2 हो गया और 7 रूट 2 हो गया, ये हमने तीन टर्म लिख दिए इसका। चलो इसे देखते हैं पार्ट नंबर कितना है, 13। √3, √6, √9 और √12 क्या होगा, एक बार देखते हैं। रूट थ्री को तो कुछ नहीं लिख सकते, रूट थ्री लिखेंगे, इसको 2 into 3 लिख सकते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं, रूट नाइन इसको तो ये लिखेंगे, और रूट नाइन को क्या लिख सकते हैं, 3, और रूट ट्वेल्व को क्या करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 2 into 2 into 3। देखते हैं तो रूट थ्री, इसका कुछ नहीं हो सकता, इसमें कुछ नहीं बाहर आएगा, तो ये रख देंगे, इसको ये रहने देंगे, और इसमें से 2√3 आ जाएगा। तो क्या कुछ है कॉमन, तो कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है। डिफरेंस क्या कॉमन है, तो डिफरेंस सेम नहीं है। √6 - √3 होगा, 3 - √6 होगा, कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, तो ये किस में, एपी में नहीं होगा। इसे देखते हैं आगे, 1² 3² 5² 7² 1² का मतलब 1, 3² का मतलब 9, 5² का मतलब 25,
सेवन स्क्वायर का मतलब 49, डिफरेंस चेक करते हैं, 8 का डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, तो 4 और 2 24 का डिफरेंस। क्या ये डिफरेंस सेम है? तो आप कहेंगे सेम नहीं है, तो एपी में नहीं होगी। चलो आगे एक और लास्ट पार्ट बचा है उसको देख लेते हैं। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, खूब है करिश्मा, गोरे 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 मुखड़े पे काला काला। चलो दही देखना एक बार, पार्ट नंबर लास्ट रह गया आपका 15। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। क्या ये एपी में है या नहीं है एक बार बताएंगे। तो चलो भैया देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73। डिफरेंस चेक करते हैं, 25 - 1 24 आएगा। इसका डिफरेंस चेक करते हैं, 4, 2 में से 2 के 4, सॉरी 2, और इसको 13 में से 9 के 4, 6 में से 4 के 2। क्या ये सेम है? हाँ जी, ये तो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? यस, दिस सीक्वेंस इज इन एपी। तो इसके आगे के हमें 3 टर्म और लिखने होंगे, तो 73 में हम 24 ऐड करेंगे तो कितना, 3 और 4 7, 7 और 2 9, फिर 24 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 1 कैरी, हाँ 11 और 1 12। फिर एक अगला टर्म और लिखना है, तो 4 और 2 2 4 और 1 140। क्या गलत कर दिया क्या? सॉरी 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 सॉरी, ये हो जाएगा 1 2 1 और 24 को ऐड करेंगे तो 1 और 4 5 और 2 और 2 4 और 1 45। तो ये आगे के 3 टर्म ये रहे हमारे। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर एक समझ बनी होगी एपी क्या होती है, और बाकी आगे की वीडियोस में देखते हैं, पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, खाते पीते रहो, मौज लेते रहो, और क्या ज़िंदगी में। चलो।